वही सौभाग्य का दिवस है कि जिस दिन आज से ठीक 103 वर्ष पहले इसी प्रांगण में सत्य देश के स्वामी हम लोगों पर दया करने के लिए हम लोगों को जगत में भवसागर में महान कष्ट पाते हुए देखकर अपनी ममता से उमड़ाकर दया उमड़ाकर करुणा उमड़ाकर जगत में हमारे जैसे पंच भौतिक शरीर को धारण करके प्रकट हुए। आज 104वां प्रकटोत्सव है, प्रकाशोत्सव है और 103 वर्ष पूरे होते हैं। हमें लगता है कि बहुत पुरानी बात हो गई, हालांकि इस स्थान को बने हुए तो अभी 3-4 वर्ष ही हुए हैं, लेकिन हम लोगों की तासीर ऐसी है कि अभी से ही उत्साह मंद पड़ने लगा है। गोसाई जी की रामचरितमानस में तो उल्लेख नहीं है, लेकिन दूसरी राम कथाओं में उल्लेख है कि भगवान जब सबरी माता के वहाँ पधारे तो मतंग ऋषि का आश्रम था और मतंग ऋषि वहाँ उस समय देह रूप में मौजूद नहीं थे, अपने परम धाम को शरीर छोड़ करके जा चुके थे। तो वहाँ उल्लेख है कि भगवान ने उस दिव्य स्थान पर प्रणाम किया और वो स्थान इतना तेजोमय था कि साधारण इंसान जो हम जैसे हैं, जो तेज को धारण नहीं कर सकते, जिनमें जड़ता ज़्यादा है, वो उस तेज को सहन नहीं कर सकते। ऐसा दिव्य, ऐसा पावन, ऐसा गरिमामय वो स्थान था, एक चौकी थी। भगवान ने वहाँ बारंबार प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत किया, वहाँ की धूली को अपने मस्तक पर लगाया। तो लक्ष्मण जी ने पूछा कि प्रभु ये क्या है, मुझे भी बताइए, आपने यहाँ प्रणाम किया। अरे बोला लक्ष्मण, तुझे तो मालूम है ना कि हम मतंग ऋषि के आश्रम में आए हैं। महामुनि मतंग ऋषि ने इस स्थान पर विराजमान रहे और यहाँ पे अपने नश्वर शरीर को धारण करके बहुत अरसा बिताया, ये स्थान इसी से दिव्य है। तभी लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु मेरी समझ में नहीं आया, मेरी तो इस तेज को सहन करने की धारण करने की क्षमता नहीं है, मेरी नज़र नहीं टिकती। ऐसा तेज, ऐसी दिव्यता, ऐसी गरिमा, ऐसी पवित्रता इस स्थान पर भी है। फर्क क्या है? महसूस करने के नज़रिए का फर्क है। अब सोचते हैं कि हर साल ये तो होता ही रहेगा, पिछली साल मत्था टेक लिया था, अब जो दूर हैं नहीं आते हैं तो उनकी भी कसर ही है, लेकिन जो नज़दीक हैं उनमें से भी मुझे दुख हुआ आज की बहुत से सत्संगी भाई जो यहीं पर हैं और इस साल के इस एक अवसर के अलावा, नज़दीक होने के अलावा क्या फ़ायदा, को दूसरी बार जब आज के दिन ही नहीं आ सके तो दूसरी बार आने की गुंजाइश तो कम ही बचती है। क्या करें, ऐसा ही ये काल का देश है, हमें फ़ायदा उठाने नहीं देता। शिव जी ने जब एक सूने स्थान पर साष्टांग प्रणाम करके उस धूलि को अपने मस्तक पर धारण किया तो माता पार्वती जो साथ में थी उसने पूछा, प्रभु भगवान यहाँ पर तो कोई देवल नहीं, मंदिर नहीं, आपने यहाँ प्रणाम किया इस पृथ्वी पर, ये तो कोई तीर्थ भी नहीं है, कहीं मैंने पुराणों में नहीं सुना, एक प्रयागराज है और दूसरे बहुत सारे तीर्थ हैं, लेकिन तो इसका रहस्य बताइए। तब भगवान शिव ने कहा कि ये देवी इस स्थान पर आज से 10,000 वर्ष पहले संत विराजे थे। कितने वर्ष पहले? 10,000 वर्ष पहले। इसलिए स्थान अत्यंत पवित्र है, यहाँ की इस पवित्र धूलि को अपने मस्तक पर लगाकर मैं भी पवित्र होता हूँ। ऐसी ही महिमा है, क्यों? क्योंकि संतों में और मालिक में तो कोई फर्क नहीं, फिर मालिक के चरण हमें कहाँ उपलब्ध हैं, मालिक के चरणों की धूल कहाँ मिलेगी,
धूल तो इस जड़ पृथ्वी पर ही है, आगे है नहीं, और इस पवित्र धूलि के बगैर तो हमारा भला नहीं होगा। इसलिए ये जो हमारा मन का प्रमाद है, ये जो अहंकार हमारे मन में छिपा हुआ है, गर्मी पड़ती है क्या जाएंगे, यहीं से बंदगी प्रणाम, दूर से सलाम कर लिए। उनकी महिमा का जो अभी गान हुआ, ये भी 4-5 साल से ज़्यादा पुराना है, अब तक लोगों को याद नहीं है, क्योंकि याद किया ही नहीं। क्यों नहीं किया? अरे इसमें राजस्थानी भाषा का पुट है, हमारे बोलने में कठिनाई होती है। अच्छा, कठिनाई होती है तो कुरान तो अरबी भाषा में लिखी है, जो उसके प्रेमी हैं वो अरबी पढ़ लेते हैं, हमें राजस्थानी भाषा में कठिनाई होती है? कठिनाई नहीं होती है, हमारे मन की मगरूरी है। नहीं तो इतनी सुंदर गुरुदेव की महिमा, जिसको सुनते ही तन मन पवित्र हो जावे, मन का सारा बोझ उतर जावे, सारा ताप समाप्त हो जावे, उसको बोलने की, गाने की, हृदयंगम करने की, मन में विचार करने की हमारे उमंग नहीं। ये बात तो सही है कि पूरी दुनिया में कुरान की आयतें तो अंग्रेजी में या हिंदी में अनुवाद की हुई नहीं पढ़ी जाती, अरबी में ही पढ़ी जाती है। क्यों? क्योंकि उनके मन में पैगंबर साहब और उनकी दिव्य वाणी और उनके गुणानुवाद और खुदा की महिमा के प्रति श्रद्धा है, अदब है, लगन है, और हमारे पास वही नहीं, हम कैसे संतों के सेवक हुए? पैगंबर साहब तो आज से 1400 से ज़्यादा अरसा हो गया, हमारे गुरुदेव को तो 103 ही वर्ष हुआ है, 103 वर्ष तो प्रकट हुए हुआ है, धाम पधारे हुए तो 14 वर्ष ही गए। तो समय रहते अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को जो पहचान लेता है वो तो है इंसान, उसकी तो कोई नुकसान नहीं होता। सुबह का भूला शाम को घर को लौट के आवे तो वो तो भूला नहीं होता, ऐसी भूल चूक सबसे होती है, हम सब भूल के पात्र हैं। इसलिए गुरुदेव और मालिक दयालु हैं, इस बात पर विचार नहीं करते, लेकिन फायदा तभी होगा जब भूल को निकालने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे तो मालिक दयालु हैं, गुरुदेव दयालु हैं, दया करके हमारी मदद करेंगे। क्योंकि गुरुदेव की महिमा से ज़्यादा और किसकी महिमा हो सकती है? स्वयं निज मालिक की महिमा तो गुरुदेव की महिमा के सामने छोटी पड़ती है। ऐसा ही है, मालिक की महिमा और गुरुदेव की महिमा में, गुरुदेव की ही महिमा हमारे समझ में आने लायक है। मालिक निराकार है, उसकी महिमा अगम अपार है, मालिक स्वयं अगम अपार बेअंत है, उसकी महिमा भी अगम अपार बेअंत है। जो बेअंत है उसका विचार कैसे करें, जो हमारे विचारों की सीमा में ही नहीं आ सकते। इसलिए मालिक के जितने भी अप्रकट या छिपे हुए गुण हैं, जो अनंत महिमा है, वो हमें कैसे पता चलती यदि हमारे गुरुदेव के रूप में वही मालिक इस धरा पर प्रकट न हुए होते। उनके जगत में आने से तो हमें उस मालिक की महिमा, पता, भेद, उनकी दया का कुछ आभास हुआ। उन्होंने बहुत कराया, हमारी समझ में नहीं आया, उन्होंने बहुत मालिक की महिमा समझाई, लेकिन हम अपात्र थे तो नहीं समझ पाए। तदपि कहीं गुरु बारे बारा, समझ परे कुछ मति अनुसार। उनकी मालिक की महिमा तो अगम अपार थी, लेकिन गुरुदेव ने दया करके, गुरुदेव ने जानते थे कि कैसे नादानों से पाला पड़ा है, इनके समझ में नहीं आएगा, जब हम चले जाएंगे तब तो पर्दा और गहरा हो जाएगा। इसलिए उन्होंने बार बार दया करके कहा, और अंतर में भी हमारी बुद्धि को, जो नितांत जड़ और अंधकार युक्त थी, उसको कुछ चेतन किया अपनी दया के बल से, कि शायद ये मालिक की महिमा समझ जाएं और दुनिया की नश्वरता समझ जाएं, अपनी निर्बलता समझ जाएं और उस मालिक के गुणानुवाद गाने के काबिल बन जाएं। इसलिए उन्होंने बार बार दया करी। तदपि कहीं गुरु बारे बारा, समझ परी कुछ मति अनुसारा। ऐसा महापुरुषों ने कहा, यही बात सत्य है कि उस मालिक में और गुरुदेव में कोई फर्क नहीं। जो सोचते हैं कि ठीक है,
आज छठ आ गई क्या? लोग कहते हैं कि कल खरवावा चलना है, कल तो खरवाओं पर उत्सव है छठ का। अरे छठ आ गई क्या? हाँ कल तो छठ आ गई, देखेंगे कोशिश करेंगे, इस कोशिश में रह जाएंगे। बहुत अरसा तो पहले ही बीत गया, पहले तो मत्था टेकने की ये जगह भी नहीं थी। उनकी इतनी कृपा है कि उन्होंने दया करके इस स्थान को कायम कर दिया, इस पावर सेंटर को कायम कर दिया, जहाँ पर आकर के हम जैसे कलयुग के भ्रमित जीव, नितांत जड़ बुद्धि के निर्बल जीव आकर के मत्था टेक करके लाभान्वित होंगे। क्योंकि निज मालिक को प्रणाम करने के लिए सच्चे मालिक सत्पुरुष सद्गुरु दयाल जो कण कण में व्याप्त है, उनको प्रणाम कहाँ करें? यहाँ तो फिर भी कुछ महसूस किया जा सकता है। जब वो प्रकट थे तब बात और थी, तब तो उस मालिक से ज्यादा प्रभावी, ज्यादा दयालु, ज्यादा उपकारी सत्ता मौजूद थी, लेकिन वो तो मौका हमने गंवा दिया। लेकिन ये जो उनके स्थान हैं, ये उनके जो प्रतीक हैं, ये प्रेम जागृत करने के लिए है, उनकी याद दिलाने के लिए है, उनके प्रति श्रद्धा प्रस्तुत करने के लिए। हम अपनी अदब के दो फूल, श्रद्धा के दो फूल कहाँ भेंट करें? घट में उनके चरण हैं, लेकिन उन चरणों से अभी हमारा साक्षात्कार या मेला नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि सूरत जड़ है, नितांत ही अबोध है, नितांत ही मलिन है, उनके चरणों से लगती नहीं। लगती नहीं तो फिर बाहर के जो अंदर में जब लगेगी, उनकी दया से लगेगी। पलटू साहब ने फरमाया है कि ये भेद निकाल दें कि वो गुरु चले गए तो अब क्या करें भाई, उनको प्रणाम। अब उनकी हम महिमा या उनकी कृपा या उनकी अदब को कम जो कर देते हैं, ये हम हमारा ही नुकसान करते हैं। संतो राम को एक के जानिए, दूसरा वेद ना तनिक आवे। संत और सच्चे मालिक को एक करके जानना है, दूसरा वेद मन में आना नहीं चाहिए। जो इस तरह की शिक्षा नहीं देते, वे भी हमारे सच्चे हितकारी नहीं। ये वाणी परम संत सदगुरु पलटू साहेब जी की है। संत ओ राम को एक के जानिए, दूसरा वेद ना तनिक आवे। लाली जो छिपी है मेहंदी के पात में, दूध में घी यह ज्ञान ठावे। लाली जो छिपी है मेहंदी के पात में, दूध में घी यह ज्ञान ठाने। फूल में बास जो काठ में आग है, संत में राम यही भांति माने। दास पलटू कहे संत में राम है, राम में संत यह सत्य माने। पलटू साहब फरमाते हैं, संतों में राम यानी संतों में मालिक और मालिक में संत अभेद हैं, दूध में घी और लकड़ी में अग्नि की तरह, और फूल में गंध और मेहंदी के पत्तों के बीच में लाली दिखती नहीं। मेहंदी होती है जो हथेलियों को रचने के लिए पीस करके घोट करके रचाई जाती है, हाथों पर लगाते हैं तो बाद में उसका रंग छूट जाता है। वो लाली मेहंदी के पत्तों के बीच में है, पत्ते को तोड़ कर देखें तो लाली दिखाई नहीं देती, लेकिन है जरूर। जब अपन उस मेहंदी से अपने हाथ पर कलाकारी करते हैं और 4-6 घंटे बाद में हाथ को धोते हैं, तो हाथ से मेहंदी के पत्ते उतर जाते हैं, लाली का दाग निशान रह जाता है। वो लाली कहाँ थी? मेहंदी के पत्तों में थी। परमात्मा कहाँ थे? गुरुदेव के घट में थे। और कहाँ थे? गुरुदेव के घट में प्रकट है। इसी तरह से गुरुदेव के घट में परमात्मा, तो परमात्मा के अंदर गुरुदेव अभेद हैं। जब तक इतना विश्वास और इस तरह की धारणा, ये विचार, ये समझ बूझ, ये सद्बुद्धि नहीं आएगी, संत मत के परमार्थ में रत्ती भर भी उन्नति नहीं होगी। इसलिए छोटी विचारधारा से ऊपर उठने की अपन पूरी कोशिश करें, बाप जी से प्रार्थना करें, मदद मांगें, वो दया करेंगे तो हमारे दिल के इस ओछेपन को दूर करेंगे। नहीं तो ये जन्म वैसे हमने गंवा दिया है, बाकी का भी चला जाएगा। जो मालिक की बंदगी करना चाहे वो और कहाँ करेगा,
सिवाय सच्चे संतों और सच्चे प्रेमी भक्तों के अलावा मालिक है कहाँ। वो जो शरीर धारण करके जगत में आए आए तो और भी महापुरुषों के रूप में, कबीर साहब के रूप में भी वही मालिक आए, नानक साहब जी के रूप में पधारे, तुलसी साहब जी के रूप में हाथरस वाले तुलसी साहब जी, राधा स्वामी साहब आगरा वालों के रूप में जगजीवन साहब, अनेक संत हुए, दादू साहब, बाप जी साहब, माता जी साहब, और भी बहुत संत हुए, सबके नाम अपन जानते भी नहीं हैं, लेकिन वो बात हमारे लिए फिर पर्दे में हो गई, क्योंकि वो रूप पुराने हो गए, जगत में आए थे, जगत के जीवों पर दया किए, जगत के जीवों में से जिन्होंने उनकी शरण ली उनको अपने चरणों में बासा देने के लिए निज धाम में ले गए, सचमुच में पूर्ण पुरुष थे और कोई फर्क नहीं था। शरण लिया सोई पार फेर कोई रया न ला रहे, अभी गुरुदेव की वंदना में अपन ने बोला जिन्होंने आपकी शरण ली वे सब के सब पार हुए, उनमें से पीछे एक भी छूटा नहीं, छूट ही नहीं सकता। घना जीव महाराज बचाया नरका जाता, अनेक जीवों को हो महाराज आपने दया करके नरक से जाते हुए को बचा लिया, हमें नहीं मिलते तो हम भी 84 में जाते, नरकों में जाते, यम की मार खाते, हम पर भी दया की। हमारा दो दिन यानी ये लोक और परलोक, ये जीवन और आगामी जीवन दोनों ही पूरी तरह से सुधार दिया, अब किस बात का डर है। लेकिन इतना विश्वास होना चाहिए, अगर ऐसा विश्वास नहीं होगा तो पहले जैसे भटकते रहे, वापस अगर भटकना शुरू कर दिया चरणों को छोड़ करके, तब तो जगत में तो आग लगी हुई है, इस आग में जल के ही रहेंगे, जल जाएंगे। केवल उन महान पुरुषों के चरण ही इस चलते हुए जगत में एक शीतल जगत, शीतल आधार है बचने का। रेगिस्तान में नखलिस्तान, रेगिस्तान में चारों तरफ रेत ही रेत, मीलों तक दूर तक कोसों तक पानी नहीं होता, जेठ बैसाख की गर्मी के अंदर धूप के अंदर कोई भटक जाए तो जान चली जाती है, जानवर भी खत्म होते हैं, इंसान भी प्यास से मर जाते हैं। लेकिन रेगिस्तान में जहाँ कहीं पानी होता है, दो चार पेड़ उगे होते हैं, उसको नखलिस्तान कहते हैं। तो रेगिस्तान यानी ये भवसागर, ये मरण देश, ये मृत्यु का देश, दुख का देश, भव का सागर, डर का सागर, यहाँ पर इतना डर है, इस डर की डर के लोक में भी एक जगह निर्भय है, एक अभय जगह है, वो जगह है सच्चे पूर्ण संत सदगुरुओं के चरण, उनका दरबार, उनकी कायम की हुई सत्संग, उनके चरण अंतर में है, वो भी हमें अभय दान देने वाले। रेगिस्तान में नखलिस्तान है, भवसागर में तिरने की वो जहाज है, बंदरगाह है, और जगत में जो उन्होंने अपने दरबार जहाँ कायम किए, सत्संग जहाँ कायम की, जहाँ उनके गुण गाए जाते हैं, जहाँ उनके बताए हुए उपदेश पर विचार करके उस पर चलने का प्रेमी लोग संकल्प लेते हैं, उस पर चलने की कोशिश करते हैं, वो भी जगत के भवसागर के तरने के बंदरगाह हैं, संतों ने कायम किए। पुराने बंदरगाह थे और केवट रूप में, मल्लाह के रूप में, स्वयं मालिक संतों के रूप में आए, उन्होंने वो धाम कायम किए, लेकिन समय पाकर के जो यहाँ की रीत है, जैसी उनकी मौज है, जैसा सदा से होता आया है, वो उस शरीर को, हमारे जैसे नश्वर शरीर को छोड़ करके अपने परम धाम को चले गए। जब यहाँ मौजूद थे तब तो उनमें परमात्मा में कोई फर्क नहीं था। सतगुरु प्रगटे जगत में मानव पूरण चंद्र, घट माई घट सो प्रत कलिप्तन को द्वंद। सतगुरु जब प्रकट थे तब क्या थे? पूर्ण चंद्र जो प्रकट होता है पूर्णमासी की रात को, वैसे जब स्वयं संत जगत में विराजते थे तो वैसा मौका था। उस समय क्या मौका था कि एक मालिक कण कण में विराजमान, पूरी सृष्टि के रचना के जर्रे जर्रे में मौजूद, सर्व व्यापक, सर्व समर्थ और सबसे अलग, वो मालिक तो सदा से, वो तो अविनाशी स्वरूप है मालिक का, आज भी कण कण में, जर्रे जर्रे में, रचना के हर जगह, हर कण में वो मालिक विराजमान है, हर घट में भी है,
और जो जीवित प्राणी नहीं है जिनको अपन जड़ पदार्थ मानते हैं उनमें भी है। सूरज चांद सितारों में है, पृथ्वी में है, पेड़ पौधों में है, इंसान में है, कीड़े मकोड़ों में है, देवताओं में है, राक्षसों के अंदर भी वह मालिक उनके घर में भी विराजमान है। वो मालिक का तो अविनाशी स्वरूप है, उससे ज्यादा लाभ नहीं होता। राक्षस के घर में भी वो मालिक विराजमान है, राक्षस तो अपनी उल्टी चाल छोड़ता नहीं, पाप कमाने का रास्ता बंद करता नहीं। लेकिन जब संतों के रूप में जगत में विराजमान है तब वो एक घट धारण किए हुए भी मौजूद है, जहां पे उस प्रथमा परमात्मा का दर्शन किया जा सकता है। जैसे आसमान में चंद्रमा है, लेकिन कोई घड़ा पानी का भर करके रख दिया जाए रात को, पूर्णमासी की रात को, तो उस पानी के भरे हुए बर्तन के अंदर भी परमात्मा का प्रतिबिंब है। उसी तरह से मालिक का प्रतिबिंब सभी प्राणियों के घट में है, लेकिन संतों के और पूर्ण भक्तों के घट में वो मालिक प्रकट है। वो प्रतिबिंब और उनके बीच में कोई पर्दा नहीं है, मालिक वहाँ प्रकट रूप में विराजमान है। और यही जैसे आसमान में पूर्णमासी की रात को चंद्रमा प्रकट है और अमावस्या की रात को चंद्रमा है तो इसी आसमान में, लेकिन वो दिखता नहीं क्योंकि रोशन नहीं है। तो ऐसे सच्चे दाता जो जगत में देने के लिए ही आते हैं, इस पवित्र और दिव्य धरा पर प्रकटे। और हमारे जैसे जगत के जीवों का जैसा शरीर धारण किया, एक परम पुण्यात्मा माता पिता को उन्होंने अपना माता पिता स्वीकार किया, और उनके कितने बड़े भाग जिन्होंने इस तरह से संतों को अपनी गोद में खिलाया, उनका लालन पालन किया, प्यार से किया, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। और जिन पर मालिक निज दया करते हैं, कश्यप और अदिति महामुनि थे, उनके प्रेम के वश होकर के भगवान ने उनसे वादा किया, उनको वरदान दिया कि उन्होंने मांगा कि हमें आप पुत्र रूप में चाहिए, आप जैसा पुत्र चाहिए, बड़े चतुराई से मांगा। भगवान जानते हैं कि मेरे जैसा तो कोई दूसरा है ही नहीं सृष्टि में, और भक्त भी जानते हैं कि भगवान के जैसा कोई दूसरा नहीं है, तो मांगना है तो क्या करें, अभी ये कहें कि आप हमारे पुत्र रूप में आइए, तो है तो प्रेम बस का हुई बात, लेकिन मालिक की महान मर्यादा और महामहिमा के सामने बात छोटी है कि उनको पुत्र कैसे माने। जो जगत के पिता और हमारे भी पिता और सदाई पिता हैं, उनको कैसे कहें कि आप हमारे पुत्र और हम आपके पिता बन जाएं। इसलिए मर्यादा रखने के लिए भक्तों ने कहा कि आप दया करके अपने जैसा पुत्र दे दीजिए, क्योंकि उनके जैसा तो कोई है नहीं। भगवान भी हंसने लगे, बोले कश्यप महाराज आप बहुत चतुर हैं, हम आपकी चतुराई पर खुश हैं, नाराज होने की कोई बात नहीं, क्योंकि आप प्रेम में कह रहे हैं, लेकिन हम आपकी चतुराई से रीझ भी गए हैं। मेरे जैसा पुत्र आप मांगते हैं, मैं अपने जैसा पुत्र कहाँ से लाऊं, मेरे जैसा तो मैं एक ही हूँ, मुझे आपके पुत्र रूप में आना पड़ेगा। तो माता अदिति ने कहा कि जो राजा ने वरदान मांगा है मुझे भी वही अच्छा लगा, मुझे भी वही दे दीजिए। तो भगवान ने कहा ठीक है, जब आप दशरथ और कौशल्या के रूप में अगला जन्म धारण करेंगे तब मैं पुत्र के रूप में आपके घर आऊँगा। तो ये कोई बहुत बड़ी कई जन्मों की पुण्यात्माएं जो होती है उनको ऐसी दुर्लभ सेवा कहाँ बख्शी जाती है, गोद में खिलाना, उनको अपना दूध पिलाना, उनको नहलाना धुलाना, प्यार से डांटना, प्यार से डांटना भी सेवा है, हाँ ये भी सेवा है। माता यशोदा ने भगवान की सेवा की तो क्या किया, लाड भी किया, दुलार भी किया, और भगवान कि नटखटता से परेशान हुई माता तो चांटा भी लगाया, उस उखड़ से बांध भी दिया, तो भगवान ने ये सब सेवा मानी। क्यों सेवा मानी, सेवा किसका नाम है अभी हम ये समझते नहीं। सेवा भगवान के किसी काम में परिश्रम में हिस्सा बटा लेना, इसका नाम सेवा है क्या? नहीं, ये कोई संपूर्ण सेवा नहीं है, ये तो बहुत छोटे दर्जे की सेवा है। सेवा है प्रेम का नाम, प्रेम में
माता यशोदा ने भगवान को उखड़ मुसल से बांध दिया, भगवान ने सेवा मानी। पूतना ने भगवान को अपना दूध पिलाने की कोशिश करी और अपने अस्तनों पर जहर का लेप लगा के गई थी, भगवान ने कहा अच्छा आज मेरी माँ इस रूप में आ रही है मेरे प्राण हरने के लिए, कोई बात नहीं है तो माँ ही, क्योंकि मुझे दूध पिलाने की भावना मन में आई तो वो माँ और हम पुत्र हो गए, अब मेरी माँ है तो माँ तो कुछ भी करे बच्चा नाराज नहीं हो सकता, माँ का अधिकार है तब, लेकिन इस माँ को अब राक्षस की योनि में मैं नहीं रहने दे सकता, मेरी माता राक्षस क्यों रहे, इसलिए पूतना का दूध क्या पिया, उसके शरीर की सारी चेतनता खींच ली, उसको निर्जीव निष्प्राण करके उस शरीर से मुक्ति दिलवा दी। तो सेवा तो अस्तनों पर जहर लगा के दूध पिलाने का नाम भी सेवा है, और भगवान को उकड़ से बांधना भी सेवा है, और भगवान को मक्खन खिलाना भी सेवा है, और भगवान के बाल संवारने और भगवान को नहलाना धुलाना दुलार करना ये भी सेवा है। सेवा तो जो प्रेम से की जाती है उसका नाम है। तो इसलिए ऐसे पूर्ण संतों को जिन्होंने अपने गोद में खिलाया, जिस धरा पर वो प्रकट हुए, वो धरती धन्य है, वो गांव धन्य है, उस गांव के उस समय के निवासी परम धन्य थे, और वो माता पिता और वो भाई जिनके बीच में आपका बचपन बीता, वो तो परम धन्य धन्य है। इसलिए संतों ने सब जगह ये प्रार्थना की, धन्य भाग धरती का कहिए परम धन्य भाग नगरी का कहिए परम धन्य उस भूमि का, बाल रूप अवतार हुआ जहाँ वासुदेव के स्वामी का, कबीर साहब के प्रकट होने की महिमा में अपने बाप जी साहब ने फरमाया धन्य भाग नगरी का कहिए, आप बनारस में प्रकटे तो वो शहर धन्य हो गया, पहले से ही बनारस तो धर्म की नगरी कहा जाता था, उस नाते से धन्य है कि नहीं वो हमें नहीं पता, हमारे इष्ट वहाँ प्रकट हुए संवत 1455 की जेठ सुदी पूर्णिमा को, इसलिए वो नगर धन्य हो गया। धन्य भाग नगरी का कहिए परम धन्य उस भूमि का, लहर तारा के किनारे उस कमल के फूल पर जहाँ वो कमल का फूल उगा था वो परम धन्य हो गई, बनारस धन्य तो लहर तारा का वो कोणा परम धन्य, और जिन्होंने उनका लालन पालन किया अपनी गोद में रखा उन माँ बाप की महिमा उपकार उनके अहोभाग्य का क्या वर्णन किया जाए, जहाँ पे स्वयं बाल स्वरूप में आप रहे और उन्होंने सेवा स्वीकार की। तो इसी तरह से जैसी महिमा बनारस की है और पूरे संतमत के तमाम भारत के लोग और भारत के बाहर भी जो संतमत के लोग हैं उनके मन में भी ये कामना रहती है, वो भी अपने अपने गुरुदेव के चरणों में और मालिक के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि प्रभु दया करें, हे नाथ दया करें, इस जीवन में हमें एक मौका ऐसा बख्श दें कि जो हम जाकर के बनारस में अपना मत्था टेक सकें। तो जैसी महिमा बनारस की, जैसी ननकाना साहिब की, जैसी आगरा की, जैसी कैथापुर की, वैसी ही तो खरमावा की है। सत्यदेह से जो सत्ता यहाँ प्रकट हुई वो तो इन सब जगह में एक ही थी, हमें अभी उसकी कदर नहीं है। जो संतमत के दूसरे लोग हैं वो जो जानते नहीं कि और कौन कौन से, जैसे अपन भी नहीं जानते कि और भी जिन जिन का अपन नाम लेते हैं उनके अलावा भी कई संत हुए, तो अपन जानते नहीं, इस तरह से कुछ लोग नहीं जानते, ज़्यादातर लोग नहीं जानते, उनकी तो खास गलती नहीं है क्योंकि वो जानते नहीं कि यहाँ पर कोई सत्य देश के भेदी महापुरुष, सत्य देश के धनी ने स्वयं अवतार लेकर के जगत के जीवों पर उपकार करने के लिए, जगत में सद्गुरु नाम जाहिर करने के लिए, जगत में सुरत शब्द योग का यहाँ चलाने के लिए, जगत के जीवों को अपने शरण में लेकर के ठेठ निज घर ले जाने के लिए यहाँ जगत में जैसे और संत पधारे वैसे यहाँ पर संत प्रकट हुए थे। जो नहीं जानते वो तो अनजान में प्रणाम करते हैं कि सब संतों की जय, सब संतों को प्रणाम, ऐसा करते हैं, उन सब धाम को प्रणाम जहाँ जहाँ संत जगत में विराजे, लेकिन जो जानते हैं और जो कदर नहीं करते हैं उनका क्या किया जाएगा,
किया तो क्या जाएगा, किया तो कुछ भी नहीं जाएगा, जैसे पहले ही चक्कर खा रहे हैं प्रेम की कमी की वजह से, अदब की कमी की वजह से, मालिक के गुण नहीं जानने की वजह से, उनके गुण नहीं गाने की वजह से, आलस की वजह से, प्रमाद की वजह से, मन के धोखे की वजह से, काल के भ्रमजाल में फंस जाने की वजह से, माया के प्रपंच में गले तक नाक तक डूबे हुए हैं, सांस लेने की जगह नहीं है, इस वजह से नहीं जान पाए, पहले भी भटका खाते रहे तो आगे भी फिर भटका ही खाने का गुंजाइश बच सकती है। इसलिए सावचेत रहें। ऐसी बेअदबी से बाप जी सोचते हैं कि जब इन लोगों ने झूठी सच्ची प्रार्थना की थी कि बाप जी दया करें, आपकी जन्मभूमि पर दया करके एक ऐसी जगह बनवा दीजिए जहां हम लोग प्रणाम कर सकें, हम लोगों की सामर्थ्य के बाहर है, अनेक तरह के विघ्न हैं और वास्तव में थे और विघ्न तो कब नहीं, अब भी मौजूद हैं, तो दया कीजिए, हम निर्बल हैं। तो हमारी अधूरी बिना मन की की हुई प्रार्थना को स्वीकार करके उन्होंने बढ़वा दिया है और यही कारण है कि हम अब जो है इसके प्रति उचाट मन हो रहे हैं, उदासीन हो रहे हैं। ये सच्चे दरबार की सेवा, इसको हम लापरवाही से ले रहे हैं। तो बाप जी से प्रार्थना करें कि हमें ऐसी बेअदबी से बचाए। देखिए, प्रेम कम होना गुनाह नहीं है, प्रेम में जितना प्रेम कल है, आज है, आने वाले कल के दिन वो कम हो जाए, ये एक कलंक की बात है। अदब में कमी नहीं आनी चाहिए, अदब प्रतिदिन बढ़ता रहना चाहिए, अदब बढ़ती रहे, प्रेम बढ़ता रहे, तभी शोभा पाता है। प्रेम पहले था, अब पता नहीं कहाँ गया, आया प्रेम कहाँ गया, देखा था सबको, कबीर साहब ने कहा पहले तो भाई प्रेम दिखाई देता था, अब कहाँ गया, पहले तो दूसरे ही नजर तो आता था कि यहाँ कुछ कुछ प्रेम मालिक का दिया हुआ है, अब क्या हुआ, अरे वो मालिक ने दिया था, अपने पास तो था नहीं, दे जो दी हुई चीज संजो करके रख लेते तो भी अपनी दरिद्रता दूर हो जाती, बाप जी ने अपनी तरफ से दिया और उस दी हुई चीज को जो अपनी कमाई हुई नहीं है लेकिन दाता ने दे दी तो दे दी, दाता तो दाता ही है, दे दिया। अब उस दी हुई चीज को भी अपन हिफाजत से रखते तो हमारा दरिद्र दूर हो जाता, लेकिन उस दी हुई चीज को भी हमारा स्वभाव है गमा देने का, तो गमाते जा रहे हैं, कुछ अंश गमा दिया, थोड़ा ही बचा है, सावतेज हो जाए, वो तो बड़े दाता हैं, सदा ही देते हैं, उनके जैसा दाता और कोई है ही नहीं, और दूसरी जगह से तो मांगेंगे कहाँ, बाकी सब तो भिखारी हैं। एक सच्चे पूर्ण संत ही जगत में सच्चे दाता हैं, वो मालिक सच्चा दाता है अवश्य, वो मालिक संतों के रूप में, गुरु के रूप में देता है, गुरु के रूप में दया करता है। धरणी जहलों देखिए तहलों सबे भिखारी, दाता केवल सतगुरु दे तन माने यार। एक सच्चे सतगुरु ही दाता हैं जो देते हुए कभी थकते नहीं, कभी हार नहीं मानते, उनकी दी हुई दात को हमने गंवा दिया, वापस प्रेम से मांगेंगे, पश्चाताप करेंगे, अपनी गलती का एहसास करेंगे तो फिर देंगे। नानक साहब ने जपू जी साहिब में फरमाया है कि हे प्रभु, आप ही सच्चे दाता हैं, आपने जुगों जुगों से, अनंत जुगों से, मुझे अकेले को नहीं, जगत के तमाम जीवों को आप देते ही आ रहे हैं, आपका दिया हुआ खा रहे हैं हम सब मनुष्य, सब केवल मनुष्य नहीं, सारे प्राणी, सबको देने वाले कौन, एक आप ही सच्चे देने वाले हैं। चींटी को कौन देता है, हाथी को कौन देता है, हमें कौन देता है, और जो मालिक को भूले हुए उनको कौन देता है, और जो मालिक को याद करते हैं उनको कौन देता है, वो वही सदगुरु नाम सबका भरण पोषण करने वाला है। चारा पील पिपील को जो पहुंचावत रोज, दूलन ऐसे नाम की कीन चाहिए खोज। ये मूल उपदेश है किसका, संतों का, और अपने माता जी साहब का ये प्रिय दोहा था, ये साखी बड़ी प्रिय थी,
सब सत्संगियों को याद है, कितनी बार सत्संग में इसको बोला है, इसको कई किताब में देख करके मैंने याद नहीं किया, उनके मुखारविंद से सुनते सुनते वो घिसते घिसते पत्थर भी गोल हो जाता है, तो उन्होंने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की कि पत्थर जैसे जड़ बुद्धि के हम लोगों को भी ये याद करवा दिया। ये माताजी साहब स्वयं अपने मुखारविंद से फरमाते थे, उनके प्रवचनों की कैसेटों में उपलब्ध है, सब सत्संगियों को याद है, और ये उनका मूल उपदेश है, और ये संतों का मूल उपदेश है, और ये वाक्य किसके हैं, दुल्हनदास जी साहब जिनके गुरु महाराज जगजीवन साहब थे उनका है। उन्होंने क्या फरमाया, चारा पील पिपील को जो पहुँचावत रोज, पील यानि हाथी और पिपील यानि चींटी, जो हाथी से लेकर के चींटी तक को रोज सुबह और शाम नियत समय पर भोजन पहुँचाते हैं, ऐसा सदगुरु नाम है, वो हमारा इष्ट है, वो हमारा सर्वस्व है, वो हमारा जीवन प्राण है, उस नाम को, उस नाम में लगन लगाना है, यही तो हमारे गुरुदेव का हुक्म था, यही उनका उपदेश था, इसको भी भूल गए हैं। फिर भूल नहीं गए हैं तो असहाय होकर के हिम्मत हार हो गए हैं कि अब हमसे तो कुछ बनता नहीं, शायद नहीं बनेगा, लगता है कि नहीं बनेगा, ये बात सही है कि बनना तो बहुत कठिन है, लेकिन मैदान छोड़ने वाला शेर का पुत्र नहीं होता, मैदान छोड़ने वाला सूरवीर नहीं होता, मैदान में जान दे देने वाला सूरवीर होता है। विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे मन से, गुरुदेव विजय प्राप्त कराने वाले हैं, समर्थ हैं, विजय प्राप्त कराएंगे। कदाचित हमारा दुर्भाग्य इतना ज्यादा हो, मन इतना मलिन हो, हम इतने ज्यादा निर्बल हों, लगन की हमारे अंदर निहायत ही कमी है, इतने ओछे भाग्य हमारे हैं, इसलिए संशय रहता है कि शायद हम असफल हो जाए, जो कि होंगे नहीं, होंगे नहीं, होंगे कभी नहीं, लेकिन कल्पना के लिए भी ये मान लें, जो कि मानना गुनाह है ऐसा मानना। फिर मैं अगली बात समझाने के लिए इस बात को, गुनाह वाली बात को क्यों बोल रहा हूँ, कि आगे जो बात निवेदन करने जा रहा हूँ उसको समझने के लिए, कदाचित कल्पना के लिए, विचार के लिए मान लें कि हम इस मन से लड़ाई में हार जाएंगे, जो कि होगा कभी नहीं, फिर माफी मांगता हूँ, कभी नहीं होगा, तब भी मैदान छोड़ के जाना कलंक है, फिर हम सूरवीर नहीं, फिर हम संचय संतों के सुपुत्र नहीं, हम सिंह के पुत्र हैं, तो घास नहीं खाएंगे, और घास खा लेंगे तब सिंह के पुत्र नहीं रहेंगे। हमारे गुरुदेव संचय सिंह थे, सिंह के सिंह, जब सिंह सतगुरु मिले वो सिंह के सिंह हैं, ऐसा सुंदरदास जी महाराज ने कहा। हमारे गुरुदेव शेर नहीं, शेरों के शेर हैं, और ऐसों के हम कहते हैं कि हम पुत्र हैं, हम तो इस गरूर में हैं कि हम तो कोई बहुत बड़े सेवक भी हैं, हम तो सच्चे सत्संगी भी हैं, हम तो पुराने हैं, हम तो उनके समय के हैं, हम तो वरिष्ठ सत्संगी हैं, ये झूठा अहंकार और पाल लिया। अगर हैं तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, फिर साबित करें, साबित कैसे होगा, मैदान छोड़ने से साबित नहीं होगा, मैदान छोड़ने से तो कायर साबित हो जाएंगे, शेर जिसके गुरुदेव हों, जिसके पिता हों, वो शेर पुत्र मैदान में डटा रहे, हम हार जाएंगे, कुर्बानी दे देंगे, मैदान नहीं छोड़ेंगे। सही टेक है तासु की जाके सतगुरु टेक, टेक निभाए देह भर रहे शबद मिलिए। ये आश्वासन किसका है, ये प्रतिज्ञा संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब जी के वचन हैं, उन्होंने ये फरमाया है, और हमें अब निर्भय हो जाना चाहिए। करना क्या है, टेक निभानी है, काम किससे बनेगा, शब्द के मिलने से, शब्द के मिलने के लायक हम नहीं हैं, शब्द की दौलत प्राप्त करने के लायक नहीं हैं, तो कबीर साहब ने हमारे सर पर अभय हाथ रख दिया है, क्या फरमाया कि एक टेक निभा दें आखिरी सांस तक, मांगेंगे तो उस एक धनी से, कहलाएंगे तो उस एक धनी के, हर समय याचना स्वांति को जैसे, सीपी को जैसे स्वांति की आशा लगी है,
सिवाय स्वाति जल के अलावा और किसी जल को सीपी चाहती नहीं, समुद्र में रह करके प्यास से जान दे देती है। सारी सीपियों में तो मोती नहीं होते ना, तो उनको स्वाति का बूंद नहीं मिला तो उसके समय समाप्त हो गया, अवधि तो मर जाती है बेचारी सीपी। जान दे देंगे लेकिन लेंगे तो एक से, आशा रखेंगे तो एक की, आशा तो सतनाम की, दूजी आस निवार, दूजी आशा मारसी जो चोपर की सार, दूसरी आशा नहीं रखेंगे। चाहे कितने संकट आ जाएं, रोग शोक आ जाएं, चाहे हमारे सामने यम भी किसी दिन आ जाए, तो एक बाप जी से मदद मांगेंगे, सदगुरु नाम को याद करेंगे, वो बचाएंगे तो बचेंगे और किसी दूसरे से नहीं बचना। और जगत में और किसी का कहलाना नहीं, और वो दुख में रखें कि सुख में रखें, पतिव्रता स्त्री जैसे अपने स्वामी के भरोसे रहती है वैसे उनके जिस तरह से वो रखें उस तरह से खुशहाल रहेंगे, उनके होकर के रहेंगे, इसी का नाम अनन्यता। और यह अनन्यता निभ गई, टेक निभ गई, तो कबीर साहब ने क्या फरमाया कि इस तरह के जो सच्चे संतों की टेक, सच्चे नाम सदगुरु नाम की जिसने टेक ले ली वही सही टेक है। सही टेक है तासु की जाके सतगुरु टेक, जिसके सदगुरु की टेक है। सदगुरु किसको कहते हैं? सच्चे पूर्ण संत सदगुरु को सदगुरु कहते हैं। देहधारी सभी सदगुरु नहीं है, बादशाह साहब ने स्पष्ट फरमा दिया, गुरु सदगुरु और संत नाम मालिक कुल के हैं, जो जगत में जन्मते और मरते हैं हम जैसे, और जगत के बाकी तमाम जीव अपन जैसे हैं, वो सदगुरु कहलाने के अधिकारी नहीं। कई आजकल संत मत में भी ऐसे होते हैं जो कहते हैं जो पुराने समय के संत हो गए उनको प्रणाम करना है, लेकिन सदगुरु किसी और को मान लो ऐसा भी उपदेश कोई दे देता है तो मेरा निवेदन है कि उससे सावधान हो जाए, वो सदगुरु वो सही उपदेश नहीं दे रहे। बाप जी साहब ने फरमाया गुरु सदगुरु और संत नाम मालिक कुल के हैं, ये बात प्रमाणिक है। ये बात बाप जी साहब की जबान मुबारक में रिकॉर्ड की हुई अभी हम लोगों के लिए दुनिया में उपलब्ध है। हमने बाप जी साहब के प्रवचन ही नहीं सुने जो कि 24 के 24 प्रवचन आज तो बाप जी की दया से यूट्यूब पर उपलब्ध हैं उनकी आवाज़ में, और वो साफ हो गई, लेकिन बहुत से सत्संगियों ने सुना ही नहीं। अब क्या करें, हमें उस बात की स्वाति बूंद की आशा ही तो नहीं, वो स्वाति टपक रही है हमें लेनी नहीं, तो कौन देने वाला है? तो इसका नाम अनन्यता नहीं, इसका नाम प्रेम नहीं, ये कोई हद नहीं हुई, तब हमें कदर ही नहीं है बाप जी की, बाप जी के वचनों की, तब संतों की कबीर साहब के वचनों की भी कदर कहाँ से होगी। इसीलिए तो भ्रमित हैं, इसीलिए तो डरते हैं कि क्या पता हमारा क्या होगा। कबीर साहब ने कहा कुछ नहीं होगा, सही टेक है तासु की जाके सदगुरु टेक, टेक निभाए देह भर, जब तक शरीर है आखिरी सांस है जान में जान है तब तक टेक नहीं छोड़े। तो अब बाकी जो काम बचा है वो तो बहुत लंबा है, वो क्या है? सच्चे शब्द को प्राप्त कर लेना। कबीर साहब ने कहा कि यदि इस तरह से कोई टेक निभा दे, इस तरह से जिसकी शरणागति पूरी हो जाए, तो रहे शब्द मिली एक, वो शब्द की दात अपनी तरफ से देंगे। कौन देंगे? सच्चे गुरुदेव हैं देने वाले, वो जो अनंत जुगों से हमें देते ही आ रहे हैं, जगत में भोजन छाजन हमें उन्होंने दिया, सब जन्मों में दिया, जिस जन्म में हम उनको भूले हुए उस जन्म में भी दिया, जिस जन्म में हम मालिक की निंदा करते थे उस जन्म में भी दिया, जिस जन्म में हमने संतों का विरोध किया और इस जन्म में भी हमने तो संतों की अवज्ञा करी विरोध किया, हमसे ऐसी गलतियां हो गई, तब भी दिया और आगे भी देंगे, लेकिन शब्द की दाग उनको दी जाएगी जो इस तरह से अनन्यता के साथ शरणागति लेकर के टेक का निर्वाह कर पाएंगे। ये सच्चे संतों के स्थान पर आकर के इस जन्म इस पवित्र भूमि पर सच्चे संत प्रकट हुए तो उस जगह पर आकर के हम उनके उपदेशों को याद करें, उनकी अभय शरण को याद करें, उनके प्रति जो हमारा समर्पण है उसको और पक्का करें। आज भी उनकी दया का हाथ हमारे सर पर है। अब सोचें, लोग कहते हैं कि नहीं भाई, समय के गुरुदेव को ही कीमत ज्यादा मान लेनी चाहिए, समय के सच्चे संत पूर्ण मिल जाए तब तो जरूर ही माननी है। लेकिन फिर मैं एक उदाहरण देता हूँ, वो भी प्रमाणिक देता हूँ,
मेरे मन की बात तो हो सकता है कि आप नहीं माने और मानने लायक नहीं होती, इसलिए कभी सच्ची हो तो भी नहीं माननी चाहिए, लेकिन कुछ बातों में प्रमाण मौजूद है और जो प्रमाण महापुरुषों के जीवन के हैं उनको यदि नहीं मानेंगे तो अपना नुकसान उठाएंगे। अब महापुरुषों के जीवन का उदाहरण देता हूँ, प्रमाण देता हूँ कि आज से 301 वर्ष पहले, 300 वर्ष और कुछ महीने हुए हैं अभी, पूरा एक 301 वर्ष नहीं हुए, गरीबदास जी साहब छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा में प्रकट हुए और कबीर साहब जी विक्रम संवत 1455 को, यानि कि अब पूरे के पूरे 621 वर्ष पूरे हो रहे हैं, 622वां प्रकट दिवस दो महीने बाद आने वाला है। तो 622 वर्ष पहले, 621 वर्ष पहले कबीर साहब बनारस में प्रकटे और 1575 में, यानि 501 वर्ष पहले जगत को छोड़ करके निज धाम में पधार गए और 300 वर्ष और लगभग 10 महीने या 8-9 महीने पहले गरीबदास जी साहब छुड़ानी गांव में प्रकट हुए। उन्होंने क्या महसूस किया, बट भागी थे, उन्होंने महसूस किया कि मेरे सिर पर संत सम्राट जगत के सच्चे स्वामी, मेरे सच्चे धनी, मेरे सच्चे इष्ट सदगुरु कबीर साहब का हाथ मेरे सर पर है। उस मालिक के हाथ को अपने सिर पर महसूस करना पूर्ण नहीं है, पूर्ण है सच्चे संत सदगुरु के रूप में जो मालिक जगत में आए उनकी दया के हाथ को अपने सर पर महसूस करना। और उन्होंने किया तो उनका काम बना और उन्होंने हमारे मार्गदर्शन के लिए फरमाया, और यही प्रमाण मैं आपके सामने पेश करना चाहता था। मेरा निवेदन था कि मैं महापुरुषों के जीवन का प्रमाणिक उदाहरण आपको दूंगा और उदाहरण यह है कि गरीबदास जी ने ऐसा महसूस किया, उन्होंने फरमाया, पंजा दस्त कबीर का सिर पर धारो हंस, जम किंकर चंपे नहीं उधर जात वंश। जगत में गुरु, वक्त के गुरु समय भी रहे होंगे, कबीर साहब के पंथ में आज तक उनकी परंपरा चल रही है, कितनी गद्दियाँ हो गई। सभी कहते हैं हम कबीर साहब के असली उत्तराधिकारी, मूल गद्दी वाले कहते हैं मूल, हम मूल गद्दी वाले हैं। अच्छा आप मूल वाले हैं तो शाखा वाले कहते हैं कि हम कोई कम है, हमारे तो हुक्म देखे गए वंश गद्दी का, ये कबीर साहब का वाणी का प्रमाण है, वो बात भी सही है। फिर कहते हैं कि वंश गद्दी तो लावल्यत हो गई, इसलिए नाद गद्दी जो है वही असली गद्दी होती है, विरक्त गद्दी खरसिया में और कायम हो गई। फिर उसके अलावा तो और बहुत सारी गद्दियाँ हैं, अब जहाँ जहाँ हो गए सभी अपने आप को आचार्य कह देते हैं, अपने आप को महंत कह देते हैं, घर बनाते हैं, सतनाम का झंडा ऊपर फहराते हैं, कबीर साहब की तस्वीर रखते हैं, चौका आरती कहते हैं हम कबीर साहब के असल उत्तराधिकारी, चौका आरती करते हैं, तिनका तोड़ते हैं, पान परवाना लेते हैं, भेंट पूजा लेते हैं और जिज्ञासुओं को कहते हैं कि हमने तुम्हारा काल से तिनका तोड़ दिया। जैसे तिनका, घास का तिनका, सूखी घास का तिनका टूटने के बाद में किसी भी तरीके से नहीं जोड़ा जा सकता, तो वो आश्वासन देते हैं कि हमने काल से नाता तोड़ दिया। अब बेचारे जो जगत के बोले जी में मान लेते हैं, पता नहीं नाता टूटा कि नहीं टूटा, काल तो अंदर मौजूद है, उतना ही दुख पहले दे रहा था, कल उपदेश लिया आज भी उतना ही दुख दे रहा है, ये काल से नाता तोड़ना नहीं है। काल से नाता टूट गया, भ्रम का लेखा छूट गया, कब, जब अंदर में तीसरे तिल पर गुरुदेव शब्द की डोरी पकड़ा दें। और इसमें भी प्रमाणिक शब्द क्या है, प्रमाणिक वाक्य क्या है, ये जो मैंने पहले कड़ी बोली ये प्रमाणिक है, ये सार वचन की है, राधा स्वामी साहब के मुखारविंद के वचन है। अपने बाबू साहब ने प्रवचन में क्या फरमाया, संत मत में उपदेश या दीक्षा के समय, ये शब्द किसके हैं, दयालु बाप जी साहब, परम संत सदगुरु विश्वदानंद जी साहब के मुखारविंद के अनमोल वचन, उनकी वाणी में भी उनकी जबान मुबारक से फरमाए हुए उपलब्ध हैं सुनने के लिए। आपने क्या फरमाया, संत मत जीता जागता मत है, यहाँ पे मरने के बाद मुक्ति मिलेगी इस बात पर भरोसा नहीं किया जाता, जीते जी मुक्ति को अपनी आंखों से होती हुई देख लो। इसके आगे फरमाते हैं, संत मत में उपदेश और दीक्षा के समय जिज्ञासु को गोया
मालिक का पल्ला पकड़ा दिया जाता है। ये शब्द हुबहू हैं, मैं जो बोल रहा हूँ ये रटे हुए हैं मेरे, बड़ी मुश्किल से रटे हैं मैंने, कहीं बोल नहीं जाऊँ क्योंकि मेरा निभा तो इसी तरीके से होगा। करनी है नहीं, गुण कुछ है नहीं, तब निभा कैसे होगा? उन महापुरुषों के महावाक्य में हमारा निभा होगा, उनकी प्रतिज्ञा से हम बचेंगे। उन्होंने फरमाया कि संत मत में उपदेश या दीक्षा के समय संत मत के सच्चे सत्संगी या जिज्ञासु को मालिक का गोया पल्लू पकड़ा दिया जाता है। आगे फरमाया कि तीसरे दिन पर सत देश से, सत लोक से जो शब्द की धार आ रही है, उस धार की गुंजार का लखाव दीक्षा के समय सच्चे पूरे गुरु सत्संगी को करा देते हैं, यही गोया मालिक का पल्लू पकड़ाना है। अब पल्लू पकड़ा दिया, अब अपन नहीं छोड़ेंगे जब तो उसके पीछे पीछे वहाँ पहुँच जाएंगे, और छोड़ देंगे तब तो मालिक की गुरुदेव की कोई गलती नहीं। और इसी बात को गरीबदास साहब ने फरमाया कि भाई यही कबीर साहब का पंजा दस्त यानी हाथ, हाथ मुबारक संतों का, वो अभय हस्त मुबारक हाथ क्या है, ये दुनियात्मक शब्द है। पंजा दस्त कबीर का सिर पर धारो हंस, यही बाबजी साहब का हाथ है, यही माताजी साहब का हाथ है, यही कबीर साहब का हाथ है, यही मालिक का हाथ है, इसी को सर पर धारण करना है, जिसको हम भूल चुके हैं। आज के दिन का अगर हम जलसा मनावें, यहाँ पर उनकी पूजा आरती करें, उनको याद करें, ये एक बहुत बड़ा फायदा है, लेकिन पूरा फायदा तब होगा जब उनके दिए हुए मूल उपदेश को भी वापस याद करके आज से उस उपदेश के प्रति पूर्ण समर्पण और निष्ठा के भाव से उस कार्रवाई में लग जाए। इतने में सफल है, सफलता मिलती है कि नहीं मिलती है इस पर विचार नहीं करें, सफलता तो दिलाना गुरुदेव का काम है, गुरुदेव की ड्यूटी है, गुरुदेव का कर्तव्य है, उनकी दया है, उनके सामर्थ्य में है, वो सब हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? गरीबदास जी ने कहा कि अपने को तो सर पर उनका पंजा धारण करना है, उस शब्द को मस्तक में प्रकट करके उसमें हमारी लगन को, तवज्जो को, ख्याल को जोड़ना है। पंजा दस्त कबीर का सिर पर धारो हंस, जो सिर पर उस हाथ को महसूस करेंगे, धारण करेंगे, तो उनके हो गए, उनके शरण में हो गए, फिर काल के नहीं बचे, तब कोई जम और जम के दूध हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जम किंकर व्यापे नहीं उधर जात है वंश, जम किंकर चंपे नहीं, यानी जम के दूध आकर के हमें दांत नहीं दिखा पाएंगे, बड़े बड़े सींग और बड़े बड़े काले मुंह और लाल लाल आंखें और दांत निकाल करके जो खाने के लिए जमदूत ऐसे हैं क्या वास्तव में? ये प्रश्न बड़ा विकट है। जमदूत क्या है? हमारे अपने कर्तव्य अगर मलिन हैं तो मौत के समय खोटे कर्मों के असर से हम भयग्रस्त होकर के काल की तरफ जाएंगे, आराम से तो काल के मुंह में जाया नहीं जाएगा, डरते हुए ही जाएंगे मौत के मुंह में। कोई हंसते खेलते तो वो जाते हैं जो साध हैं, जो शब्द का अभ्यास करते हैं, बाकी सब तो मार खाते हुए कुटते पीटते हुए जाते हैं, तो उस समय इस तरह का डर अनुभव में व्यापता है, उसे दिखता है कि मुकदर से मारा जा रहा हूँ, खोलते हुए तेल की कढ़ाई में तला जा रहा हूँ, जमदूत मुझे खाने के लिए दौड़ रहे हैं, वो उतना दुख भी महसूस करता है जीव। सूक्ष्म शरीर में ये सब कष्ट भोगाए जाते हैं नरकों के, तो सूक्ष्म शरीर में नरक भोगाए जाते हैं, तो सूक्ष्म में नरक है, सूक्ष्म में जीव भोगने वाला है, लेकिन दुख वास्तविक है, वो इसका थोड़ा अंदाज हम लगा सकते हैं। स्वप्न में यदि हमने गुलाब जामुन खाए तो स्वाद पूरा का पूरा आया, और स्वप्न में यदि हमें कोई कष्ट हुआ तो वो दुख भी हमें पूरा पूरा व्याप्त हुआ। तो सूक्ष्म शरीर में स्वप्न का आभास होता है, इसी तरह से सूक्ष्म शरीर में नरकों के दुख भोगाए जाते हैं, और फिर वास्तविक स्थूल जड़ 84 योनियों में भी डाला जाता है। लेकिन गरीबदास जी साहब फरमाते हैं कि जब किंकर चंपे नहीं उधर जाता है वंश, कब? कि जब पंजा दस्त कबीर का सिर पर धारो हंस। कबीर याने काया में वीर तत्व क्या है? काया में वीर तत्व है सदगुरु शब्द, सत्यदेश का चैतन्य, और वो कहाँ प्रकट है? वो सच्चे पूर्ण संत सदगुरुओं में प्रकट है।
इसलिए उन्हीं का इष्ट धारण करें, उन्हीं की टेक धारण करें और फिर उनकी सच्ची शरण लें तो यम के दूत नहीं हमारे निकट आएंगे। और अगली बात क्या फरमाई, उधर जाता है वंश, शब्द की कमाई करने वाला का तो वंश उधर जाएगा, उधर जाएगा यानी सुधर जाएगा, उद्धार हो जाएगा, केवल अपना नहीं शब्द के अभ्यास करने वाले का खानदान तक सुधरता है। यदि ज़्यादा लगन से बहुत तेज लगन के साथ अभ्यास करने वाला है तो अनंत जीवों को तारता है, और उससे कम लगन है तो महापुरुषों का फरमान है 21 पीढ़ी तरती है, उससे कम लगन है तो 9 पीढ़ी तिरती है, उससे कम लगन है तो 3 पीढ़ी तिरती है। लेकिन बात कहाँ से शुरू की थी, शब्द का अभ्यास करने वाले की, धीमी गति वाले की ये बात, तेज गति वाले की वो बात। दूसरा किनारा तेज गति वाले का है, हम धीमी गति के किनारे पर बैठे हैं, लेकिन धीमी गति से भी करना जरूरी है। मैंने शुरू में निवेदन किया था कि प्रेम कम हो तो चलेगा, नाम का स्मरण कम लेंगे तब भी फायदा पूरा हो सकता है, लेकिन प्रेम के साथ करें। तो ये उनका मूल उपदेश था हमारे गुरुदेव का, प्रेम प्रकाश में ये बात आपने फरमाई है। साल भर पहले मैंने निवेदन किया कि ये बाबजी साहब का मूल उपदेश है, इसको हम यहाँ से याद करके चले। सबसे बड़ा अभागा मैं ही हूँ कि मैं ही साल भर में इस बात को भूले हुए रहा, आज उन्होंने दया करके वापस याद दिला दिया कि मूर्ख तुझे याद रखना है, तो मुझे भी याद रखनी है। और बाकी सब भाई जो मेरे से बड़े हैं उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि याद रखें। साल भर पहले यहाँ अपन ने एक छोटा मोटा संकल्प लिया तो था लेकिन भूल गए हैं, तो बाप जी दयालु हैं, दया करके मेरे और अपन सब भाई बहनों के गुनाहों को क्षमा करेंगे और दया करेंगे कि हम कमज़ोर मनोबल के मलिन मति के जीव हैं, संकल्प बड़ा कर लेंगे पालन हमसे होगा नहीं, लेकिन हमारे गुरुदेव समर्थ हैं, उनकी सहायता प्रबल है, प्रतापी है, फिर वहाँ कमजोरी नहीं है। हम हारते कब हैं, भूलते कब हैं, अपने किए हुए संकल्प से चूकते कब हैं, जब अपने आपा में आ जाते हैं। आज कोशिश करें कि इस संकल्प में अपना आपा नहीं रहे, पिछली बार आपा रह गया था तो हम भूल गए, इस बार कोशिश करें शुरू से ही बाप जी के चरणों में बारंबार प्रणाम और बंदगी और प्रार्थना दया करें। हम सबके दिलों से इस आपा की बुराई को दूर करें, हे गुरुदेव दया करें, इससे हम जन्म जन्म में हारे हैं और अब भी हार रहे हैं, तो दया करें हमें इस आपा से, अभिमान से, गुरूर से, अहंकार से बचाएं, और दया करके हमें संकल्प दिलाएं, और फिर दया करके हमें समर्पण के भाव में कायम रखें, तो अगले साल आपके दरबार में जब आप हमें पुनः या दया करके बुलाएं तब हमारा काला मुंह नहीं हो, उज्जवल मुख से आवें, आप अपने मन में प्रसन्न हो, अपने चित्त में आपके प्रसन्नता होगी, इस बार तो इन्होंने कुछ निभा दिया भाई, तो वो भी आपकी दया से होगा। और वो संकल्प क्या था, पिछले साल जो अपन ने यहाँ लिया, कम से कम वो तो याद होगा, मुझे उम्मीद है कि सब भाई बहनों को वो याद होगा, और वो ये था कि मैंने निवेदन किया था कि अपने बाप जी का मूल उपदेश क्या है, बाप साहब ने प्रेम प्रकाश में फरमाया है, निस दिन घट में खोज कराई जो सतगुरु पूर्ण सुखदाई, कि जो पूर्ण सुख के भंडार सदगुरु हमारे घट में मौजूद हैं, उस सदगुरु नाम की खोज हम घट में अवश्य करें। कब करें, रात और दिन करें, निस दिन घट में खोज कराई जो सदगुरु पूर्ण सुखदाई। अभी मैंने थोड़ी देर पहले निवेदन किया था कि माताजी साहब को ये साखी बड़ी प्रिय थी, जो उन्होंने दया करके अपन लोगों को याद कराई कि चारा पील पिपील को जो पहुँचावत रोज, दूलन ऐसे नाम की कीन चाहिए खोज, ये हमारा फर्ज है उस नाम की अपने घट में खोज करें। ऐसा दुलंदास जी साहब कहते हैं तो उनके गुरुदेव ने यही फरमाया होगा, तभी दुलंदास जी ने कहा, उनके गुरुदेव ने फरमाया तो उनके गुरुदेव यारी साहब और बावरी साहब उन्होंने भी यही फरमाया, सभी ने यही फरमाया, बाब साहब ने भी यही फरमाया, माताजी साहब ने साखी को कई बार फरमाया और अपने को दया करके याद करवाई, जो जगत का भरण पोषण करने वाला नाम है,
जो जगत के कण कण का अंदर व्याप्त है, सर्वव्यापक है, सबका स्वामी है, हमारा भी स्वामी है और हमारा इष्ट है, हमारा जीवन धन प्राण है। जीवन धन भी है और जीवन प्राण भी है, लेकिन हम उससे दूर हैं और वो हमारे से पर्दे के अंदर है, पर्दा हमारे मन का, पर्दा हमारे अहंकार का। तो दया करें मालिक कि ये पर्दा दूर हो, कोशिश हमको भी करनी पड़ेगी, दया भरपूर बाप जी करेंगे, कोशिश हमें करनी पड़ेगी। इसी संकल्प को पिछले साल अपन ने इसी स्थल पर बाप जी की मौजूदगी में लिया था, लेकिन हम सब गुनहगार हैं, कान पकड़ कर क्षमा मांगने के काबिल भी नहीं हैं, लेकिन वो गुरुदेव दयालु हैं, क्षमाशील हैं, क्षमा समुद्र हैं, वो दया करेंगे यदि हमारे अंदर सच्चा पश्चाताप होगा और अब इस संकल्प को निभाने की सच्ची लगन होगी तो पुराने गुनाह भी माफ़ करेंगे और आगे हमारे इस संकल्प को निभाने में दया करके हमें सहारा देंगे। और यही हमारा फर्ज है, इसी संकल्प को आज वापस पुनरावृत्ति करते हैं, फिर एक बार उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि अब इस अगले क्षण से और साल भर बाद में दया करके हमें आप जब इस दरबार में वापस बुलाएं, तब तक दया करें कि हम आपको भूलें नहीं, आपके नाम को भूलें नहीं, तीसरे दिल पर आप विराजमान हैं, इस अखंड धारणा में रहें, यह धारणा कभी हमारी टूटे नहीं। और दया करें कि लगन के साथ जगत से हमारे चित्त को हटाकर, जगत से उपराम होकर आपके तरफ प्रेम के साथ आपकी तरफ लौट कर आएँ और आप दया करके हमारी इसमें मदद करें, आपकी सच्ची शरण के काबिल बनाएं, आपके चरणों के सच्चे प्रेम के काबिल बनाएं, आपके सबसे अनमोल जगत में सृष्टि में दुर्लभ से दुर्लभ से दुर्लभ से दुर्लभ दिव्य से दिव्य से दिव्य से दिव्य पावन से पावन से पावन दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु आपके दर्शन हैं, उस दर्शनों के काबिल हणे हमें बनाकर अपने दर्शन बख्शें। इसी प्रार्थना के साथ शरणागत वासल नाम सुने तब से तब शरण आन वसी है। See you.